अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम रियलमी C25S की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस वीडियो में। और ये जो स्मार्टफोन है, इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी हुई है, यानी कि आपको ये बताया जा रहा होगा, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे आपने देखा होगा कि स्मार्टफोन की बहुत ज़्यादा तारीफें की गई हैं। और वाकई में ये एक अच्छा स्मार्टफोन है, ऐसा नहीं है कि ये एक अच्छा स्मार्टफोन नहीं है, बट इसके भी कुछ कंपिटेटर्स मौजूद हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपिटेटर्स हैं, यानी कि ये बात आपको नहीं बताएगी। और मेरी आने वाली वीडियोज़ में इसके हम कंपेरिजन भी करेंगे, कैमरा टेस्ट और इस तरह के भी करेंगे इस रेंज में, जो कि इसके कंपटीटर होंगे, यानी कि दूसरी कंपनीज के जो कि अच्छे स्मार्टफोन्स हैं। तो ये काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन है, लेकिन इसके भी अच्छे कंपटीटर मौजूद हैं, ऐसा ही नहीं है कि बिल्कुल वन साइडेड गेम है। तो इसके भी कुछ अच्छे कंपटीटर्स जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं। तो इस वीडियो में जो है मैं अनबॉक्स करता हूँ, और आने वाली वीडियोज़ में इसके रिव्यूज़ और इसमें प्रोज हैं, काफ़ी अच्छे हार्डवेयर के साथ आता है, काफ़ी अच्छे स्पेक्स हैं, बट इसमें कुछ बुराइयाँ भी हैं स्मार्टफोन की, तो वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा। तो उसके लिए जो है आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधे चलते हैं स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग की तरफ। तो गाइस, अब यहाँ पे हम अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि मेरे पास जो मेरा फ़ोन है, ये दराज की पैकिंग में है, और अभी तक जो है इसको मैंने क्यों नहीं ओपन किया। तो इसलिए नहीं ओपन किया क्योंकि ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था कि बहुत से लोग दराज वगैरह से शॉपिंग नहीं करते, उसको सेफ़ नहीं समझते। तो भाई बिल्कुल सेफ़ है, और अगर आप बिल्कुल सेफ उस कंडीशन में है कि अगर आप जो है वो कंपनी के अपने स्टोर से, जैसे कि मैंने रियलमी के स्टोर से इसको ऑर्डर किया है, और मैं इसको जो है अनबॉक्स करके आपको दिखा देता हूँ, और साथ में मैं आपको बताऊँगा कि ये किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है जो कि दराज की जो हमारी शॉपिंग होती है। क्योंकि आपको पता है कि जो पहले हमने फ़ोन भी पोको आई थिंक जो ओपन किया, अनबॉक्स किया था, उसको भी जो है हमने दराज वगैरह से ही ऑर्डर किया था। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये दराज की पैकिंग में था ये स्मार्टफोन हमारा, रियलमी C25S। और ये जो फ़ोन है ये सिर्फ आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, इसीलिए मैंने ये दराज वाली बात आपके साथ शेयर की, क्योंकि ये आपको जो है मार्केट में नहीं मिलेगा। तो इसको आपको जो है वो ऑनलाइन ही जो है वो स्मार्टफोन को आपको जो है वो मंगवाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको जो है वो माइंड में रखनी है कि ये जो प्रोडक्ट है आपको, ये सिर्फ आपको जो है वो ऑनलाइन ही मिलेगा, आपको ऑफलाइन मार्केट में देखने को बड़ी मुश्किल है। अगर मिलेगा भी सही तो इसका जो है 4 GB रैम, 128 GB स्टोरेज वाला वेरियंट देखने को मिलेगा, जो कि अराउंड हो सकते हैं 30,000 के करीब आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा रियलमी C25S है, और इस स्मार्टफोन की सबसे जो कि आप कह सकते हैं कि अमेजिंग बात होने वाली है, वो यहाँ पे ये होने वाली है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और इसीलिए जो है इस स्मार्टफोन से जो है मुझे थोड़ा ज़्यादा प्यार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान में, ये स्मार्टफोन कंप्लीटली तौर पर पाकिस्तान में बनाया गया, असेंबलिंग। अब बहुत से स्मार्टफोन पहले असेंबल हुए हैं पाकिस्तान में, बट वो मैन्युफैक्चर्ड नहीं थे, यानी कि उनके पार्ट्स बाहर से किसी कंट्री से मंगवाए जाते थे और उसको जो है वो पाकिस्तान में जोड़ दिया जाता था, लेकिन ये मैन्युफैक्चर है, यानी कि इसको कंप्लीटली तौर पे इसके पार्ट्स वगैरह भी बहुत सारे पार्ट्स जो है वो पाकिस्तान में ही जो है वो बनाए गए। कुछ जो पार्ट्स होते हैं जो कि इस तरह नहीं बन सकते, लाइक जो कि दूसरी कंपनीज से लेके कंपनीज लगाते हैं, जैसे कि चिपसेट हो गए या कैमरा सेंसर हो गए, तो वो बाहर से आए हुए होते हैं। तो इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं और बाकी सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। 4 GB रैम, 64 GB स्टोरेज है, और यहाँ पर ये जो है आप देख सकते हैं वाटर ग्रे कलर में हमें देखने को मिल जाता है। तो अब यहाँ पे हम जो है फ़ोन को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस कैसा रहता है स्मार्टफोन को ओपन करते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और सबसे पहले हमें जो है ऊपर जो है ये एक जो है वो कवर देखने को मिल जाता है। तो ये कैसी क्वालिटी के, तो ये वही एल्यूमिनियम वाला जो है पहले की तरह होता है, बट ये थोड़ी सी इसकी मैं देख रहा हूँ कि ये थोड़ा ब्लैक है, बाकी जो है वो वाइट होते हैं, और ये ठीक है, नॉर्मल क्वालिटी का, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमें ये क्विक बुक और इन्फॉर्मेशन गाइड वगैरह, ये सारी चीज़ें, यूज़र इन्फॉर्मेशन गाइड देखने को मिल रहा है, और इसमें और क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, तो यहाँ पे जो एक जो है सिम इंजेक्टर टूल देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पे देख लेते हैं नीचे हमारी जो है, हमारे पास जो है वो डिवाइस मौजूद है, और इसको जो है हम बाहर निकाल लेते हैं। तो डिवाइस को एक बार साइड पे रखते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बॉक्स में दिखा दूँ। तो भाई हमारे पास चार्जर देखने को मिलता है जो कि थोड़ा बड़ा है, और इसका मतलब ये है कि इस रेंज में पहले जो रियलमी के चार्जर हुआ करते थे वो आपको जो है वो 10 वॉट के देखने को मिल जाते थे, लेकिन इस चार्जर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर कैमरा फोकस कर सके, तो यहाँ पे ये जो चार्जर है ये एक 18 वॉट का चार्जर है। तो ये इसकी काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये आपको एक 18 वॉट का चार्जर रियलमी प्रोवाइड कर रहा है इन द बॉक्स। और साथ में आपको यहाँ पर जो है वो कौन सी केबल देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको साथ में टैप सी केबल जो है वो देखने को मिल जाती है। तो इसको साइड पे रखते हैं, और अब यहाँ पे जो है वो हम डिवाइस को ओपन कर लेते हैं। तो डिवाइस को जो है हम बाहर निकाल लेते हैं, और कैसी हमें जो है वो डिवाइस देखने को मिल जाती है, तो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें जो है वो रियलमी का वही पुराना टिपिकल डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, और ये डिज़ाइन जो है वो रियलमी C11 से चला आ रहा है, यानी कि ये डिज़ाइन बहुत पुराना है, कोई डिज़ाइन यहाँ पे
अपग्रेडेड हमें देखने को नहीं मिलता, वही पुराना डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। तो अब यहाँ पे डिवाइस को टर्न ऑन हम कर लेते हैं और मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे व्यूवर्स जो है, मैंने स्मार्टफोन को सेटअप कर लिया, टर्न ऑन हो चुका है हमारे पास। और ये स्मार्टफोन आपको जो है इस तरह की कुछ जो है वो डिस्प्ले देखने को मिल रही है, और डिस्प्ले जो है आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। हम पहले सेटिंग्स में चले जाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग्स में चले जाते हैं और यहाँ पे जो है हम अबाउट फोन में जाते हैं। सबसे बेहतरीन चीज़ जो स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाती है, मैं इसके कुछ आपके साथ जो है वो स्पेक्स जो है वो मैं आपको बता दूँ, डिस्कस कर लूँ, जो कि हमें बॉक्स के बैक साइड पर भी लिखे हुए देखने को मिल जाते थे। तो भाई ये जो एक ऐसा फ़ोन है जिसमें आपको हीलियो G85 का गेमिंग चिपसेट देखने को मिल जाता है, सबसे कम प्राइस में किसी में मिलता है। मतलब गेमिंग बहुत ज़बरदस्त है और 48 मेगापिक्सल्स का जो है मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि 1.8 के अपर्चर के साथ है, यानी कि इसके बैक कैमरा की क्वालिटी जो है अपनी रेंज में सबसे अच्छी होने वाली है। उसके साथ इस स्मार्टफोन में आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और ये जो 6000 mAh की बैटरी, यानी कि अगर आप थोड़े से भी लाइट यूजर हैं तो 2 दिन निकाल जाएगी, अगर बहुत ज्यादा हैवी यूजर नहीं है आपके। और इसके साथ 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है, तो यानी कि ये 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, बट क्योंकि इसकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, 6000 mAh है, दूसरे स्मार्टफोन्स की 4 या 5 होती है, तो इसलिए जो है ये नॉर्मल टाइम ही लेगा। फास्ट चार्जिंग होने के बावजूद भी ये नॉर्मल टाइम लेगा जितना कि दूसरे स्मार्टफोन लेते हैं चार्ज होने में। तो हम इस स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जा रहे थे, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, हम जाते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एंड्रॉयड 11 पे है और रियलमी UI जो है वो V2.0 पे है। अब ये UI बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आते, बग्स नहीं आते भाई, और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त निकल के आती है। यानी कि सेम चिपसेट के साथ कोई दूसरा ऐसी वैसी कंपनी का फोन हो तो ये सेम चिपसेट के साथ उससे बेहतर परफॉर्म कर रहा होता है, क्योंकि ये ऑप्टिमाइज़ है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज देखने को मिल जाते हैं। 4 GB रैम है और 64 GB स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है। अब इसके थोड़े से मैं आपको कैमरा भी दिखा दूँ, और इस स्मार्टफोन के बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियोज़, रिव्यूज, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी मेरे चैनल पर। यानी कि थोड़ा सा बढ़ के हम इस स्मार्टफोन को कवर करेंगे, काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि ये फ़ोन मतलब कि इसका कोई कंपटीटर मौजूद नहीं है इस रेंज में, जैसा कि आपको आपने वीडियोस देखी होंगी बहुत सी और दूसरे चैनल्स पे, और आपको बताया गया कि बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा ज़रूर है, बट इसके भी अच्छे स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटर मौजूद हैं, और वो मेरी आने वाली वीडियोस में, रिव्यूज़ में आपको सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। तो इसलिए भाई वेट कर लें, 1-2 दिन में आपको रिव्यूज़ और सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लें। तो अब यहाँ पर जो है वो मैंने कैमरा इसको ऑन कर लिया है, और अगर मैं इसकी बात करूँ कि कैमरा क्वालिटी आपको किस तरह देखने को मिल रही है, तो मैंने एक चीज़ जो है सबसे पहले जो नोटिस की है वो ये है कि ये जो फोकस है वो बहुत जल्दी पकड़ता है। यानी कि मेरे स्मार्टफोन जो कि मैं जिससे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है एक चीज़ पे जल्दी ही बहुत जल्दी फोकस कर लेते हैं, तो ये इसकी काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है। इसमें आपको ये देखें 48 मेगापिक्सल्स का मोड भी देखने को मिल जाता है, और मोर में अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो है कुछ और भी मोड देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम लैप्स और इस तरह के मोड जो आपके देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे, उसके अलावा ये देखें नाइट मोड भी आपको देखने को मिल रहा है स्मार्टफोन में। और ये स्मार्टफोन जो है वो अगर मैं बात करूँ इसकी वीडियो क्वालिटी की, तो ये 1080p 60 FPS तक मैक्सिमम बैक कैमरा से और फ्रंट कैमरा से भी 1080p तक रिकॉर्ड कर सकता है। तो ये इस तरह की कुछ इसकी जो है वो कैमरा देखने को मिल जाता है। बहुत अच्छा फ़ोन है, ऐसा नहीं है कि बुरा फ़ोन है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है गेमिंग के लिए, कैमरा के लिए, ज़्यादा बैटरी टाइमिंग चाहिए उसके लिए। और बस एक चीज़ मैंने फील की कि क्योंकि 1-2 हज़ार अगर आप ज़्यादा पे करते हैं तो आपको ऐसे फ़ोन भी देखने को मिल जाते हैं जो 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ आते हैं। तो उस चीज़ से आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो ये एक शॉर्ट सी अनबॉक्सिंग थी, और इसके रिव्यूज़, इसकी एक एक चीज़ की वीडियोस आएगी, इसकी स्पेशली इसके डिज़ाइन और डिस्प्ले पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उनके लिए आप वेट कर सकते हैं, और आपको बहुत अच्छी जो है इसके रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी इस चैनल पे। तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करके रख लें, और ये थी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।